जब बात संविधान बचाने की आती है तो ये संविधान किसी मंच या किसी व्यक्ति से नहीं बचता, बल्कि ये संविधान हम तमाम लोगों की एकता से बचता है। आप जब उनसे कहिएगा कि हमें कोरा भाषण नहीं चाहिए, तुम्हारे झूठे वादे हिंसक शासन नहीं चाहिए, तो वो कहेगा तुम देशद्रोही। आप जब उससे कहिएगा कि मजदूरों को काम चाहिए, उनके काम का मुनासिब दाम चाहिए, तो वो कहेगा तुम देशद्रोही। आप जब उससे कहिएगा हमें शिक्षा रोजगार चाहिए, सभी वर्गों को न्याय चाहिए, तो वो कहेगा तुम देशद्रोही। आखिर अपना अधिकार मानना, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है समता का, अच्छी पढ़ाई का, अच्छे रोजगार का, क्या इन सब चीजों के लिए जब हम आपसे सवाल करेंगे तो आप कहिएगा कि तुम देशद्रोही हो? कोई मजाक है क्या कि जिसको चाहे आप देशद्रोही बोल दें, जिसको चाहे आप देशभक्त बोल दें? देश में मर रहा है किसान, सीमाओं पर मर रहा है हमारा जवान, तो दिन रात टीवी पर बैठ कर तुम क्यों करवाते रहते हो हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान? इस चीज का जवाब तुमसे ये आवाम पूछेगी। अगर आपके बच्चे को पढ़ाई से रोका जा रहा है क्योंकि जब आप अशिक्षित रहिएगा, जब आप अपने अधिकार को नहीं जानिएगा, जब आप अपने संवैधानिक अधिकार को नहीं जानिएगा, तो इस फासिस्ट सरकार के खिलाफ आप आवाज बुलंद नहीं कीजिएगा और उससे सवाल नहीं कीजिएगा कि कहाँ है मेरा समानता का अधिकार, कहाँ है मुझे पढ़ने लिखने का फ्री अधिकार, कहाँ है मुझे प्रतिरोध करने का अधिकार, कहाँ है मुझे अभिव्यक्ति का अधिकार? ये साजिश है कि आप उनसे सवाल नहीं कीजिए। लेकिन हम लोग, हम संविधान पसंद लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। जब भी संविधान पर हमला होगा, हम वो तूफान उठाएंगे कि तुम्हारा जुल्म खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगा। तुम क्या चाहते हो? हम देश बेचे, देश की राष्ट्रीय संपत्ति बेचे और हम चुप रहे, यही चाहते हो तुम? तुम क्या चाहते हो? हम युवाओं पर लाठियां चला दे अपने हक और अधिकार के लिए, जो लड़ रहे हैं जो युवा, उस पर हम लाठियां चला दे और हम उनके माँ बाप, हम उनके अभिभावक, हम यूं ही चुप रहे? आप मेरे बच्चे को, हमारे बच्चे के दिमाग में सांप्रदायिक माहौल भर कर उसे रोड पर गोलियां लेकर निकलवा रहे और अपने बच्चे को BCCI अध्यक्ष बना रहे हैं। आखिर इस हिंसा में नुकसान किसका है? हमारा ही तो है। आखिर हम क्यों भड़कने देते हैं हिंसा? मिजाज बदला बदला लगता है, मिजाज बदला बदला लगता है, देश का हालात बदला बदला लगता है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर देश तोड़ने के चक्कर में सियासतदानों का विचार बदला बदला लगता है। लेकिन तुम्हारे इस बहकावे में आने वाले नहीं है हम। तुम जो चाहोगे कि हिंदू मुस्लिम में उलझ जाए और हम एक दूसरे से लड़ जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। तेरे मंसूबे को नाकाम करेंगे अब हम, तेरे मंसूबे को नाकाम करेंगे अब हम। सोए थे जाग गए हैं अब हम, हमें मिलकर प्यार से रहना अच्छा लगता है। हिंदू मुस्लिम ना लिखकर हम लिखना अच्छा लगता है, हम लिखना अच्छा लगता है।